जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? हालांकि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो ये हमारे डेली व्लॉग हार्ट चैलेंज का व्लॉग नंबर 61। तो बिना किसी देरी के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम आए थे इंदौर से और आज भी हम घर हैं। आज हमारा जाने का था इंदौर, बाकी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी है तो आज हम यहीं रुके हुए हैं। तो आज भी वही ठिलवाई पने करना है अपने को, कुछ नहीं करना है, कुछ है नहीं अपने व्लॉग में बनाने के लिए। बाकी फिर भी कुछ ना कुछ हम टॉपिक ढूंढ रहे हैं, बन जाएगा तो उस पर डालेंगे अपन। तो बने रहना इस व्लॉग में एंड तक। तो समझते हैं, देख लीजिए। कल नाग दीपावली थी तो हम कुर्ते लाए थे, कल पहने थे, बाकी हम कल का व्लॉग नहीं बना पाए गाइस, सो सॉरी। वो बनाते तो बहुत तगड़ा जाता व्लॉग, वो व्लॉग हम बना नहीं पाए क्योंकि व्यस्त थे। सीधी सी बात, डोला सजाना था, बहुत सारी चीज़ें करना था तो हम कुछ कर नहीं पाए। तो आज तो हम फुल मस्ती मजे करेंगे गाइस, टीवी देखेंगे, खाना भी खाना है, खाना भी खाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम अभी खाना लेके आ चुके हैं वापस। मम्मी ने कढ़ी बनाई हमारे लिए और आज हम वो कल खा रहे थे वो जो चीज़ थी उनकी याद नहीं आ रही। और रोटी भाई भी यहाँ खा रहा है और टीवी में चल रही गाइस। बहुत दिनों के बाद हमने बाहुबली देखी है, बाहुबली द बिगिनिंग चल रही है और हम इंजॉय कर रहे हैं। खाना वाना खा लिए और ये भैया जी यहाँ बैठे, भाई इसको देखो अलग ही सना रहे हैं गाइस। ये क्या पता क्या खा रहे हैं, इनको क्या खाया, खाने को दे दिया मम्मी ने। तो चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जस्ट खाना खाया और पापा का फ़ोन आया, बोल रहे हैं कि मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, मेरी जो विक्रांता है वो ख़राब हो चुकी है, तो उसको हम दीपोर में देने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं फटाफट, उस गाड़ी को लेके आते हैं। तो दोस्तों अभी दिव्य आया है लेने के लिए, दिव्य में और दीपू जा रहे हैं हमारी गाड़ी विक्रांता को देने के लिए। तो उससे पहले हम गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं पेट्रोल पंप पे जाके, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो चुका है समथिंग, ये भी नहीं तो बीच में अटक जाएंगे तो इसको कौन लेके आएगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं पेट्रोल पंप पर। तो जस्ट गाड़ी में पेट्रोल डला लिया है और मैं फ़ोन पे से पे करने लग गया था, पैसे तो रोक नहीं बना पाया और इसने जब तक साले ने पेट्रोल डलवा लिया। तो बस हम वापस निकल चुके हैं अपने रास्ते पर झक पक करते हुए। दोपहर की 3 बज गई है, वो बोला ज़्यादा धूप लग रही है, बजरा साला बंद करवा ले, बहुत ज़्यादा धूप लग रही गाइस। और इतनी धूप में हम जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है गर्मी का क्या ठंड लग रही है। अंशु जी की कॉलेज दिख जाएगी, हाँ दिख रही है हमारे अंशु जी की कॉलेज। आज अंशु जी भयंकर उछल रहे थे जिसके उनके घर का वो है। आखिरकार दिव्य जी ने अपनी रेस खींच ली है और बहुत तेजी से हम जाते हुए कुंडिया की ओर। गाइस हमको ऐसे तुमको बताया तो खाने में, कहा जा रहा हूँ कुंडिया जा रहा हूँ गाइस मैं। और ये पर हमने इस गाड़ी को वापस पीछे और स्लो करती हुई दिव्य ने गाड़ी, ये गाड़ी हमारा अभी निकली आगे, क्या पता इसके आगे कुछ हो या ना हो। और दिव्य जी ने वापस अपनी रेस पकड़ ली है और यहाँ पर छुआ बिली का खेल चलता हुआ और ये गाड़ी वापस पीछे हो गई है। गाड़ी को पीछे करती है गाइस, इतनी ताकत से आप अंदाजा लगा सकते हो उसकी माला से कितनी तेज भगा रहा है गाड़ी। दोस्तों हम आ चुके हैं कतरगाँव, बस कतरगाँव से अब वाला रास्ता निकल जाएगा पहले कुंडिया और शिराघाट, बस ये रास्ता ही है ये जो जाएगा ना घुसड़, हाँ ऐसे घुसड़ ये चलने दो गाइस, यही रास्ता है कुंडिया का चलने दो। चलो गाइस हम आ चुके हैं अब प्योर तरीके से अपने रास्ते पर, चलिए चलते हैं फटाफट और अपनी गाड़ी के पास, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और वापस लेके आते हैं। तो दोस्तों अभी हम जस्ट कुंभिया रोड पे घुसे ही थे और पापा का फोन आ गया, पापा बोल रहे हैं कि बोले गाड़ी तो चालू हो चुकी है अब तुम वापस चले जाओ, पेट्रोल खर्च करा सर हमारा पूरा, अपने आपको व्लॉग दिखाया जाएगा, स्पेशल में व्लॉग दिखाया जाएगा। अब रिटर्न हम जा रहे हैं, अब क्या करें, घर ही जाना है, अब निकल चुके हैं वापस। चलिए चलते हैं घर पहुँच के वापस, कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को।
दोस्तों आ चुके हैं घर, अब बैठे हुए हैं। करीबन तीन सवा तीन बज चुकी है और अब मम्मी उधर भागवत जी सुन रहे हैं और हमारे पास अब लोग बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा गई। कल जैसा हाल हो चुका है, आज कल भी कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है, तो अब क्या करें। 3-3.5-4 मिनट का ब्लॉग बनेगा ये वाला भी। कल से हम अच्छा ब्लॉग बनाएंगे क्योंकि कल हम जा रहे हैं वापस इंदौर, वहाँ पे ब्लॉग बनाएंगे गाइस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राम।